आज के हमारे इस वीडियो में हम जाने वाले हैं एक $2.5 लाख के वेकेशन पर। ये तो शानदार है, ये सच कैसे हो सकता है? और मैं आपको दिखाऊंगा क्या फर्क होता है इस वाले और पूरे $1 लाख वाले प्रेसिडेंशियल वेकेशन में। इस तरफ से सर, एक $50,000 वाले वेकेशन में पूरा का पूरा आईफिल टावर हमारे लिए होगा। मर ना जाऊं इसलिए इसे पकड़ा है। पर पहले शुरू करते हैं इस $1 वाले वेकेशन से। हम आ गए बॉयज, ये शैक है हमारा वेकेशन। बाहर से अंदर देख सकते हैं, यहाँ दीवारें तो है ही नहीं जिमी। अच्छा, वैसे लग तो रही है। ये कितना गंदा है। अगर तुम्हें नहीं लगता कि ये $1 का है तो ये देखो, ये 93 सेंट्स है। तुम झूठ बोल रहे हो। $1 में राउंड अप करना पड़ा। $1 में मिला हमें ये बेड जो कि सच में बस लकड़े पर रखा एक गद्दा है। ये देखिए, एक टूटा हुआ ड्रॉर और एक लाइट बल्ब जो लगता है काम करता है। ओ, देखो तो जरा। और आखिर में छत से आती हुई कुछ अजीब अजीब आवाजें। मुझे कमरे में आवाजें आ रही थी और देखा तो छत पर एक रैकून था। बहुत से लोगों को अपने होटल के कमरे में एक रैकून को देखकर बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन पता नहीं क्यों हम खुश हैं। यहाँ कब तक रहना है? कल तक। ये मत भूलना कि आगे हम इस वीडियो में $1 लाख वाले वेकेशन पर भी जाने वाले हैं, $2.5 लाख वाले वेकेशन पर भी जाने वाले हैं। क्या हम सीधे ही वहाँ पर नहीं जा सकते? नहीं, क्योंकि हमें तकलीफ होनी चाहिए ताकि सबको हमारी तकलीफ और खुशी में फर्क दिखे। तो वो चाहते हैं कि हम तकलीफ झेलें। हम सबको एक ही बेड पर सोना होगा। अगर हम 4 बेड्स लेते तो $4 देने पड़ते। पहले इस रेत को साफ करते हैं। पता नहीं अचानक रैकून कहाँ से आ गया। किसी को बताना मत कि मैं छोटी बच्चे की तरह चिल्लाता हूँ। अगला वेकेशन इस वाले से 10,000 गुना ज्यादा महंगा है। स्वागत है $10,000 पर नाइट वाले वेकेशन में। ओह माय गॉड, ये तो लाजवाब है यार। रुको रुको, अब ये क्या चीज है? इस होटल रूम में जेली फिश है। ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ओ, यहाँ बाहर एक पूल भी है। अरे वाह, प्राइवेट पूल। क्या ये किसी फिल्म के सीन जैसा नहीं लग रहा है? होटल रूम से निकलते ही एक बीच। वाओ, क्या बात है। ये बीच भी प्राइवेट है? ओ माय गॉड, ये सच में कमाल है। दरिक पानी कब से इतना नीला होने लगा? मुझे नहीं पता। इस पूरे वेकेशन में एक बड़ा सा स्पा भी शामिल है। क्या बात है। फ्लेमिंगो से भरा एक पार्क भी। देखो वो लड़ रहे हैं। फ्लेमिंगो और अनलिमिटेड रूम सर्विस। ठीक है, आपको क्या चाहिए? बस सब कुछ। इस जगह में बस एक ही कमी है कि यहाँ कोई रेकून नहीं है। ए, नन्हे दोस्त। पर इन्हें दोष नहीं दे सकते। जब हम ऐसे रिजॉर्ट में $10,000 खर्च करते हैं तब बिल्डिंग में हमें एक अपना फ्लोर मिलता है। ये फ्लोर जिमी के फ्लोर जैसा ही है, बस मेरा सबसे टॉप वाला है। ओ, यहाँ एक हैमक भी है, शायद इसमें बिना गीले हुए भी बैठ सकते हैं। ट्राई करता हूँ। मैंने कर दिया। ओ, जरा ये व्यू तो देखो। क्रिस, हे, वाओ, मैंने पकड़ लिया। 3, 2, 1, हे। ओके, चलो सबको कुछ रूल्स बता दूं। रूल नंबर 1, क्या? कोई भी मेरे पूल में तकिए नहीं फेंकेगा। रूल नंबर 2, सॉरी डरिक, और अब इस होटल की सबसे खास बात, ये इन्फिनिटी पूल जो सीधे हमारे प्राइवेट बीच पर जाकर थमता है, वो पानी ओवरफ्लो कैसे नहीं हो रहा है? मेरे बहुत सारे सवाल हैं। मुझे एक पिता जैसा लग रहा है जो बच्चों को वेकेशन पर लाया है और उन्हें पूल में मजे करते देख रहा है। ये $10,000 वाला वेकेशन तो कमाल था, लेकिन उतना नहीं जितना कमाल हम धरती के उस पार जाकर करने वाले हैं। और अब बारी है पूरे $50,000 वाले वेकेशन की, जो की है पेरिस। पेरिस कमाल है। हमारा $50,000 का वेकेशन शुरू होता है एक प्राइवेट लग्जरी फेरी राइड से। अब ये क्या है? ये इंजन है? वैसे क्या ये 1805 का? ट्रिक ट्रिक, उस लड़के पर जूम करो, हमें शूट कर रहा है। हे, देखो हाथ दिखा रहे हैं। तुम्हारा यूट्यूब चैनल है? मुझे नहीं लगता वो हिंदी समझता है। इस वाले वेकेशन में शामिल है बहुत ही शानदार खाना, इस पूरे शहर का एक बढ़िया टूर, वाह मजा, और एक लग्जरी होटल रूम जिससे मिलता है शानदार व्यू। माहौल जरा रोमांटिक सा है ना? हाँ, चैनल और तुम्हें घूमना चाहिए। और आखिर में हाजिर है एक बहुत ही महंगा सरप्राइज। आप सब शायद सोच रहे होंगे ये एक $50,000 वाला वेकेशन है और हमने अब तक $50,000 खर्च भी नहीं किए। हाँ, हाँ, पर कहाँ है वो? पीछे ही है। इसका वो तो आईफिल टावर है। हाँ, आज वो पूरा का पूरा आईफिल टावर हमारे लिए है। क्या सच में? हाँ। 50,000 में से टावर को कितने देने पड़े? लगभग पूरे के पूरे। हम आ चुके हैं आईफिल टावर पर। लग रहा है जैसे छुप के जा रहे हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये हमारा है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। हम लाइन को क्रॉस करके जा सकते हैं। ये इलीगल लग रहा है। ज्यादातर ये जगह लोगों से खचाखच भरी हुई रहती है और क्योंकि ये जगह पूरी तरह हमारे लिए बुक्ड है, हम इस टावर के टॉप पर जाने की कोशिश करेंगे। मेरा मतलब है सबसे टॉप पर। बॉयज, मस्ती बहुत हुई, टॉप पर चलते हैं। ऊपर जाते हुए हम पहले फ्लोर पर रुके थे जो कि हवा में पूरे 187 फुट ऊपर था, जहां हमारे लिए एक शानदार होटल वेट कर रहा था। भले ही हमारे पास ये पूरा आईफिल टावर ही क्यों ना हो, फिर भी होटल में इन्होंने हमें इस कॉर्नर में बिठाया है। यही वो एलिवेटर है जो आईफिल टावर के टॉप से आ रहा है। डरावना लग रहा है ना? खुल जा सिमसिम। थैंक यू। देखो मेरा घर दिख रहा है। हम अभी फ्रांस में, मतलब मेरा होटल दिख रहा है ऊपर से। देखो हम कितने ऊपर आ गए। मेरे कान फट रहे हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओह माय गॉड, हम यहाँ से पूरा शहर देख सकते हैं। ये तो वाकई में कमाल है। ट्रिक, जरा देखो हमें अभी कितना ऊपर और जाना है। ब्रो, इसका कोई अंत नहीं है। झूठ नहीं कहूंगा, लगा कि टॉप पर पहुँच गए। टॉप पर जा रहे हैं।
अब हम टॉप पर जा रहे हैं। कभी ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। यहाँ से कूद कर देखूं? नहीं, हिलना भी मत। चलो आओ बॉयज, मेरे पीछे आओ। यहाँ से आगे कोई लिफ्ट नहीं है, बस सीढ़ियां ही सीढ़ियां। ओ यहाँ तो काफी हवा चल रही है। हम कितने ऊपर हैं? ओ माय गॉड, ओ माय गॉश। ओ तेरी कैमरा मत गिरा देना। हम जमीन से लगभग 900 फुट हवा में हैं। टावर में लोग सिर्फ यहाँ तक ही आ सकते हैं, पर क्योंकि ये रात सिर्फ हमारी है, मेरे पास और एक सरप्राइज है। क्या लगता है इस दरवाजे के पीछे क्या होगा? सीढ़ियाँ। पर तुम्हें क्या, मैंने कैसे पता चला? हमें सीढ़ियाँ दिख रही हैं। ओ हाँ, और सीढ़ियाँ हैं, पर ये हमें वहाँ ले जाएंगी जहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। माय गॉश, ओ माय गॉश ब्रो, ओ माय गॉड, वहाँ जा सकते हैं? मुझे नहीं पता। बहुत डरावना है ये किनारा, तो मेरे लिए बस कमर जितना ऊपर है, पर कहीं मर ना जाऊं इसलिए पकड़ा है। अब समझा कि टूरिस्ट लोग को यहाँ अलाउ क्यों नहीं करते हैं। हमने शहर की दूसरी तरफ एक कैमरामैन रखा है जो हम पर जूम कर सके। वो हमसे करीब एक मील दूर है और ये लेंस इतना अच्छा है कि आप हमें हाथ हिलाते देख सकते हो। $50,000 वाले वेकेशन के लिए तुम्हें मानना होगा कि बहुत ही बढ़िया। ये लाजवाब है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। सब बेस्ट मोमेंट के लिए तैयार हो। पता नहीं यूट्यूबर्स के पास इतनी पावर कैसे होती है, पर लाइट्स, जैसे कि डिस्को शो। क्या कमाल है गाइस, पता नहीं अगली कमांड काम करेगी या नहीं, पर सभी लाइट्स को बंद किया जाए। पूरा अंधेरा हो गया। यहाँ तो एकदम अंधेरा हो गया। वो लाखों फ्रेंच लोग इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? उन्हें मुझे यहाँ से निकालना चाहिए। पता नहीं इतना कंट्रोल कैसे दे दिया मुझे। आगे हम जाएंगे स्विट्जरलैंड पूरे $1,00,000 के वेकेशन पर। पर ये कोई आम वेकेशन नहीं होने वाला था। इस होटल की खिड़कियाँ 2 इंच मोटी बुलेट प्रूफ है, जहाँ एक पैनिक बटन से पूरी बिल्डिंग लॉक हो सकती है, और जो सिक्योरिटी से भरपूर है, क्योंकि एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ दुनिया भर के लीडर्स वेकेशन मनाने आते हैं। और साइडमैन भी शहर में ही थे, तो मैंने उन्हें भी बुला लिया। खुशबू तो खाने की आ रही है। यहाँ तो पूरा ओशन रखा हुआ है। ये कमाल का है। ये पूरे यूरोप का सबसे महंगा पेंट हाउस सुइट है, जो कवर करता है पूरा 8th फ्लोर। इसमें दर्जनों कमरे हैं, दिन रात का बेशुमार स्टाफ और चारों तरफ लजीज खाने के स्टॉल्स। तुम्हें ट्राई करना है? लो ट्राई कर लो। ओह माय गॉड। दूसरे गेस्ट से ये वाले गेस्ट आपको कैसे लग रहे हैं? मतलब ये वाले आपको थोड़े बुद्धू लग रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुनिया के कुछ बहुत ही ताकतवर लीडर्स ने वेकेशन के लिए यहाँ आने के लिए चुना था। यहाँ तक कि बिल क्लिंटन भी यहीं रुके थे और उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये सेफ है। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर बुलेट प्रूफ विंडोज हैं। क्या ये विंडो भी बुलेट प्रूफ है? ये बहुत मोटी लग रही है। जी हाँ, मजबूत। उम्मीद तो है, मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारे पास कुछ स्नाइपर्स भी हैं जो छत पर होते हैं। आपके पास अपने स्नाइपर्स हैं? क्या तुम साइडमैन के लिए मोल भाव कर सकते हो? कोशिश कर सकता हूँ। हाँ, ये मुझे मोल भाव में मदद करेगा। मैं 10% खरीदना चाहूंगा। कितना बोलना चाहिए? नहीं हाँ? तुम बताओ। हाँ? यार 200 मिलियन जिमी। 200 मिलियन। ओके, पैनिक बटन कहाँ है? ओ नहीं, झूठ नहीं कहूंगा, जब से यहाँ पर आया हूँ तब से मुझे ये बटन दबाना है, तो सब मानते हैं कि ये एक अच्छा आइडिया है। नहीं, बिल्कुल गॉल। तुम बिल क्लिंटन हो और तुम खतरे में हो, उस पैनिक बटन को दबाओ। उसने दबा दिया। ओ देखो, दरवाजा बंद हो रहा है। क्या हम लॉक्ड हो गए? क्या हम लॉक्ड हो गए? तुम सब अंदर हो? क्या वो नोलन है? हाँ, मैं बस 1 सेकंड के लिए बाहर गया और दरवाजा लॉक्ड हो गया। कौन सा बटन इसे खोलता है? तुम उसे ऐसे ही दबाकर फिर खोल नहीं सकते। अगर फिर से वो बटन दबाते हैं तो पुलिस आएगी और बड़ा फाइन भी लगेगा, तो उसे दोबारा मत दबाना। मैं सोच रहा था अगर एक प्रेसिडेंट एक मैकडॉनल्ड में जाएगा तो कैसा लगेगा। देखते प्रेसिडेंट कैसे कैसे जाएंगे। चलो, तो अगर हम एक प्रेसिडेंट हैं तो कहीं भी बिना बॉडीगार्ड्स के नहीं जा सकते। उसका मतलब जब हम ड्राइव करेंगे तो हमारे साथ एक काफिला होगा। कैसे पता चलेगा कि किस कार में बैठना? तीसरी या फिर चौथी? आमतौर पर तीसरी या चौथी होती है। अच्छा, कौन सी कार सबसे खतरनाक है? पहली वाली। नोलन, तुम्हें उसमें जाना चाहिए। मैं कर सकता हूँ। ठीक है। मेरे साथ कौन आएगा? हैरी, चलो मेरे साथ आओ। हैरी और चैंडलर। प्रेसिडेंट तो बीच में नहीं बैठता हूँ। आमतौर पर मेरे बॉडीगार्ड्स मेरे साथ होते हैं, पर ठीक है, तुम भी चलो। थोड़ा और खींच लो, चलो चलो। कौन सा प्रेसिडेंट मैकडॉनल्ड्स चाहता है? ये शीशा नीचे हो सकता है। hey, क्या है? अब हमें कोई गोली मार सकता है। मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। यकीन नहीं होता हम ये कर सकते हैं। ये बढ़िया है। फिर पता चला कि जब हम प्रेसिडेंट जैसे काफिले में निकलते हैं तब कई लोग घूरने लगते हैं। क्या चाल है? जरा उसे तो देखो। मुझे लगा हम सबका ध्यान खींच रहे हैं। सबको लग रहा है हम प्रेसिडेंट के साथ हैं। अजीब है। जिससे मैकडॉनल्ड थोड़ा अजीब सा लगने लगा। हमारी सिक्योरिटी पर ध्यान मत दो। जिमी, क्या ये आईफिल टावर से ज्यादा बढ़िया है? वो यहाँ के खाने पर डिपेंड करता है। जाहिर है अब तक के सभी वेकेशन बहुत ही शानदार रहे हैं, पर वो अगले वाले से थोड़े कम ही है। हमारी आखिरी वेकेशन एक बार फिर से दुनिया के दूसरी छोर पर है। अभी हम हैं जापान में, हमारे $2,50,000 वाले वेकेशन के लिए। हम यहाँ एक खास गेस्ट से मिलने वाले
हैं तो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। तो वेकेशन की शुरुआत के लिए हमने हमारे बैग सीधे जापान के सबसे महंगे वाले होटल में ही खोले। ये कितना बड़ा है, इस होटल में आवाज गूंज रही है। और इसके बाद हम चल दिए टोक्यो शहर को जानने के लिए। अब हम यहाँ की सड़कों पर मारियो कार्ट्स चलाएंगे। हमने कुछ प्राइवेट मारियो कार्ट्स रेंट पर ले ली और जापान की सड़कों पर घूमने निकल गए। सब लोग हमें घूर रहे हैं, इसे सड़क पर चलाना गलत है। यहाँ पर असली कार्स मेरी बगल से गुजर रही हैं। जरा देखो यहाँ कितने लोग सड़क क्रॉस कर रहे हैं। ये दुनिया की सबसे बिजी ज़ेब्रा क्रॉसिंग है और हम इससे गुजर रहे हैं। हम टोक्यो में गो कार्ट चला रहे हैं, क्या बात है। जापान कितना प्यारा है, ये जगह कमाल की है। जब हम हमारी अगली जगह पर आए तब हम वहाँ पर मास्टर योशियो की सुमिदा से मिले और ये पिछले 26 साल से कटाना की ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो हमें समुराई आर्ट का एक रियल लेसन सिखाने के लिए भी मान गए। हम सबको खुद की एक कटाना मिली और हमारा लेसन शुरू हुआ एक स्विंगिंग टेक्निक से। पर जितना सोचा था वो उतना आसान नहीं था। तैयार? नहीं नहीं, प्लीज जूम करके मत दिखाना। और फिर आई मेरी बारी। बॉयज लगता है मैं कर पाऊंगा। तुम कर सकते हो। Hey, देखते हैं बॉयज कैसे करते हैं। वो मैं हूं समुराई जैक। और फिर हमारे समुराई टीचर ने हमें ये कमाल की एक कटाना गिफ्ट की। मैं इसके लायक नहीं हूँ लेकिन शुक्रिया। और क्योंकि ये एक $2.5 लाख का वेकेशन था, हमने दुनिया के एक सबसे प्रीमियम सुशी शेफ को रेंट पर लिया और साथ ही उनके फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। उनके पास लुई विटॉन पोस्टर्स हैं। ये शेफ सारा खाना हमारे सामने ही बनाते हैं और एक मास्टर को ऐसे काम करते देख खाने का मजा और भी बढ़ जाता है। ओह माय गॉड, उन्होंने कहा पंछियों को मछली खिला सकते हैं। आओ ये लो नन्हे दोस्त, देखा उसने कैसे पकड़ा। और जैसे ही हमने बिल दिया थैंक यू, उसके बाद हम एक कमाल की जगह के लिए निकल पड़े। आओ मेरे पीछे, मैंने ये पूरी जगह रेंट पर ली है। पर वहाँ जाने से पहले सॉक्स निकालो। ये बेसिकली एक आर्ट म्यूजियम है लेकिन एक्सपीरियंस लेने के लिए। खड़े हो गए। मैं जो देख रहा हूँ उससे मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा। मरने के बाद भी ऐसा ही लगता होगा ना? हाँ शायद से। अब इसके आगे क्या होगा? आमतौर पर ये जगह लोगों से भरी हुई रहती है पर हमने ये पूरा एक्सपीरियंस खुद के लिए बचा कर रखा था। हमने ऐसी बेहतरीन चीज कभी नहीं की होगी। डूड क्या ये फिश है? हम एक म्यूजियम में हैं, एक पूल के अंदर एनिमेटेड फिश के साथ खेल रहे हैं। ऐसी खास चीज हमें वेकेशन पर जरूर करनी चाहिए। देखो फिश हमारे पास आ रही है। ये हमारे इर्द गिर्द कैसे आ रही है? उन्हें हम पसंद है। देखो ये चारों तरफ है। अब आप सबको शायद भूख लगी होगी इसीलिए हम इस रेस्टोरेंट पर आए हैं जिसे बस रोबोट्स चलाते हैं। क्या? मेरा नाम है पेपर। हम बैठ सकते हैं पेपर? क्यों नहीं, चलो एक अच्छी जगह ढूंढते हैं। हमने इस पूरी जगह को बुक कर लिया था और यहाँ पर सिर्फ रोबोट वेटर्स ही थे। फूड रोबोट आ गया। रुको क्या खाना भी रोबोट से लेकर आएंगे? जो कि बहुत ही फ्लफी है। पेपर किसी वजह से चैंडलर को घूरे जा रही है। पेपर को शायद चैंडलर पसंद नहीं है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई? ओके सब सुनो, आज पेट भर कर खा लो क्योंकि कल मैंने एक पूरा पार्क बुक किया है और प्यूडीपाई भी वहाँ आने वाला है जो कि बहुत ही कमाल है क्योंकि प्यूडीपाई और मेरी एक लंबी हिस्ट्री है। मिस्टर बीस्ट, मैं तुम्हारा वेट ही कर रहा था। हमने टी सीरीज के खिलाफ उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मदद की। अपना फोन उठाओ, यूट्यूब पर जाओ, प्यूडीपाई को सर्च करो और उसे सब्सक्राइब करो। और आखिर में हम उससे आगे निकल गए। मिस्टर बीस्ट के सब्सक्राइबर्स मुझसे भी ज्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कर्मा हो रहा है लेकिन ये सब मिस्टर बीस्ट डिजर्व करता है। और भले ही हम लंबे वक्त से दोस्त हैं पर हम आमने सामने कभी नहीं मिले थे और क्योंकि हम इतने वक्त के बाद मिल रहे हैं मैंने पूरे अम्यूजमेंट पार्क को बुक कर लिया है। ये पार्क है फ्यूजी क्यू हाईलैंड, ऐसा पार्क जहाँ जापान की सबसे डरावनी राइड्स हैं, जहाँ हजारों लोगों की वेटिंग लगी रहती है। पर हमेशा की तरह ही मैंने इस पूरी जगह को सिर्फ हमारे लिए बुक कर लिया है। तुम किसी भी राइड की सवारी कर सकते हो। अभी बात बाकी थी पर वो चला गया। मैं इस रोलर कोस्टर पर सिर्फ अकेले जाने वाला हूँ। आप जो देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे गहरा रोलर कोस्टर ड्रॉप है। डर लग रहा है? मजा करो। मुझे उसके लिए डर लग रहा है। और जैसे कि वादा किया था द फादर ऑफ यूट्यूब प्यूडीपाई पार्क में आ ही गया। प्लान के हिसाब से किसी और वक्त, क्योंकि मैंने गलत वक्त बताया था, सॉरी फिलिक्स। और इसे इस पार्क के सबसे भयानक कोस्टर पर जाना था। तुम डर क्यों रहे? मुझे रोलर कोस्टर से डर लगता है। डरो मत, ये वाला ज्यादा नहीं घूमता। अगर तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा। लेट्स गो। मैं डरा हुआ हूँ।
ठीक है चलो चलते हैं। अगर मैं इस राइड पर मरता हूँ तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हमें अपने शूज निकालने होंगे? हाँ, वो सब कुछ जो गिर सकता है। इससे पता चल गया कि ये खतरनाक है। उन्हें लगता है कि हम राइड में शूज गिरा देंगे। तुम कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। मैं ठीक नहीं हूँ, ये मेरा सबसे बुरा सपना था। डर लग रहा है मुझे, डर लग रहा है मुझे, नहीं करना। तुम मुझे भी डरा रहे हो, शांत हो जा। वो बस कुछ भी हो जाए उल्टी मत करना। डर लग रहा है, कोई दूसरी राइड ले सकते हैं? हम किसी और राइड में जा सकते थे। मुझे तो पता भी नहीं इस राइड में क्या है। एक जगह पर ये 90 डिग्री नीचे जाती है। अब तुम मुझे डरा रहे हो। तुमने मुझे इसमें कैसे फंसा दिया? तुम मुझे यहाँ लेकर आए, पर हम नहीं जानते थे कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये राइड पीछे की ओर जाती है। हम उल्टी तरफ क्यों जा रहे हैं? फिनिक्स, अभी अभी ये क्या हुआ था? मुझे रोना आ रहा है। सबसे बढ़िया रोलर कोस्टर, अब आंसू भी निकलने लग गए हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा जिमी, अब मैं जा रहा हूँ। हम सब ने पहली ढलान पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया था। क्या? थैंक यू। मुझे नहीं लगता मैंने कभी ऐसे आलू भी खाए हुए हैं। ये मुझसे आगे निकलने के लिए। तो तुम क्या करते फिलिक्स? फिलिक्स सॉरी, मैं तुमसे आगे निकल गया, उसके लिए मुझे मारने की जरूरत नहीं थी। ये अच्छा है। हाँ ये बढ़िया है। ये था हमारा 2.5 लाख डॉलर्स वाला वेकेशन। फिलिक्स क्या तुम एंड कर दोगे? ब्रोफेस्ट।